हाय गाइस, दिस इज़ नाशित। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन प्लस टीवी के बारे में। और जाहिर सी बात है, मेरे पास टीवी नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि टीवी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और आपको टिप्स देंगे कि कैसे टीवी लेना चाहिए। मैंने रिसर्च किया कि मतलब अगर मैं मार्केट में जाऊँगा और मेरा बेटा बोलेगा पापा पापा हमको टीवी लेना है, और दुर्गा पूजा अभी आने वाला है तो फेस्टिवल सीज़न होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा कम दाम में, और या मतलब मैनुफैक्चरर सबसे कम प्रॉफिट रखते हैं, मतलब डिस्काउंट सबसे कम दाम में का क्या मतलब हुआ, जितना वो प्रॉफिट कम से कम रख कर बेचना चाहते हैं, जितना यूनिट बेचना चाहते हैं, और जितना पुराना माल निकालते हैं वो मतलब एक दो साल से जो पहले नहीं बिका हुआ है या अभी जो लॉन्च किया है उसमें भी कुछ कम करके, मतलब दुर्गा पूजा के बाद एकदम तुरंत आपको फिर से प्राइस बढ़ जाता है। और मैंने एक बात देखा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक सेल अमेज़ॉन पे भी चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी चल रहा है, तो करते क्या हैं वो लोग, और इस वजह से आप लोगों को लगेगा अरे यार 40,000 का सेल है, 30,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया, लेकिन करते क्या हैं, जैसे डिस्काउंट होने से पहले, मतलब जैसे कि आज है 1 अक्टूबर, ठीक है, तो आज अभी डिस्काउंट चल रहा है, 1 लाख की टीवी है 70,000 में बेच रहे हैं, 30,000 डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन सितंबर 1 को उसका दाम था 75,000, ठीक है, 1 लाख MRP है, 75,000 में बेच रहे थे उस वक्त, वो नहीं लिख रहे थे कि एकदम आपको जैसे कि 25,000 का डिस्काउंट है, लेकिन जहाँ फेस्टिवल सीजन आया तो 30,000 का डिस्काउंट है। तो ये चीज़ मैंने देखी, तो और मेरा बेटा जो पापा पापा हाँ हमको टीवी लेनी है, तो अभी वन प्लस जो लॉन्च किया है, तो जब पापा को बेटा बोलेगा टीवी लेने के लिए तो पापा तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन ज़्यादातर जैसे कि आजकल ऑनलाइन पूरा इंडिया का मार्केट नहीं आया है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको बोलते हैं कि नुकसान होगा वन प्लस को, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। आज मैंने ट्वीट देखा कि 2 दिन में वन प्लस ने कमाई की है 500 करोड़ रुपए की, तो काफ़ी बड़ा बेस बना लिया उन्होंने। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो मतलब ऑफलाइन नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ज़्यादातर लोग या धनतेरस में ज़्यादातर लोग जो निकलते हैं आजकल भी, तो आई थिंक लाइक 70-80% लोग ऑफलाइन ही ये मतलब शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जब मेरा बेटा बोलेगा कि पापा पापा हमको टीवी लेना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले तो मैं बता दूं कि वन प्लस वन ने 2 लॉन्च किया है, Q1 और Q1 Pro, बता दिया होगा पहले, तो मतलब आप इस बात को कान से निकाल दीजिए। लेकिन सबसे पहले देखेंगे आपको कि कौन सी टेक्नोलॉजी है वो टीवी का डिस्प्ले, जिस पर हम लोग टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, जो नेटफ्लिक्स नहीं है, मतलब कि लॉन्च कर दिए आप रिमोट कंट्रोल पे, जो एकदम आपको कह सकते हैं कि एप्पल टीवी का, मतलब उन्होंने बोला अरे यार मतलब हम अभी क्या बोलते हैं रिमोट डिज़ाइन करने में उतना टाइम नहीं लेना है, तो क्या करना है एप्पल टीवी का जो रिमोट है उसी का डिज़ाइन उठाल के डाल देते हैं और ऊपर नीचे में कुछ अंतर, ऐसे मतलब मैं श्योरिटी से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्लैब है, स्लैब प्लास्टिक का स्लैब है या मेटल का स्लैब है, उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तिकोना तो नहीं बना सकते हैं, तो बेसिकली, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है वो एप्पल टीवी के रिमोट से। और प्राइम, अमेज़ॉन प्राइम का क्या बोलते हैं बटन है उस पर, समझ रहे हैं आप, उसमें 7-8 बटन है, और मैंने देखा कि सबसे फंडामेंटल बटन होता है ऐसे ऑफ ऑन बटन या म्यूट बटन नहीं है उस पर, लेकिन म्यूट बटन के बारे में, मतलब जैसे म्यूट बटन नहीं है तो जो मैं देख रहा था ये लॉन्च करने वक्त, तो वो बोल रहा था कि म्यूट बटन नहीं है, या मतलब रिमोट के बारे में उसको पता चल गया कि ऑडियंस को पता चल गया कि ऐसा रिमोट है उसमें म्यूट बटन नहीं है, अब म्यूट बटन बहुत फंडामेंटल चीज़ है, तो वो बोलने लगा कि मतलब कॉल आया और 100 आप साउंड सुन रहे हैं, 100 पे वॉल्यूम और एकदम 10 पे चला जाएगा, अगर हम म्यूट करना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर हम चाहेंगे कि नहीं हमको सिर्फ पिक्चर देखना है, हमको मतलब नहीं करना है म्यूट, मतलब हमको क्या बोलते हैं हमको आवाज़ नहीं सुनना है, तो कैसे, वॉल्यूम रॉकर है तो सही है, मतलब अच्छा लगा हमको, लेकिन उसको 100 से 0 तक दबा, मतलब उतना समय तक उतना तक जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, म्यूट बटन दे सकते थे। अमेज़ॉन प्राइम हम समझ रहे हैं कि अमेज़ॉन पे आप बेचते हैं सब ऑनलाइन इंडिया में, और इंडिया ही में आपने लॉन्च किया है, अभी प्राइस बाहर के लिए भी नहीं लॉन्च किया है, तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सिर्फ इंडिया में लॉन्च किया है, शुक्रिया शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाई, अभी धनतेरस और मैंने बताया ही आपको दुर्गा पूजा आने वाला है, इस वजह से वन प्लस ने सिर्फ इंडिया में लॉन्च किया है, या मतलब मैनुफैक्चरिंग में कुछ दिक्कत हो रही थी, जितना मैनुफैक्चर हो गया सब इंडिया में उन्होंने डाल दिया, 1 महीने बाद फिर US में या बाहर में यूरोप में अपना लॉन्च कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमको लगता है कि ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमको पार्ट पार्ट में करके ये करना होगा, क्योंकि आप अगर सुन रहे हैं तो मतलब मैं पूरी कहानी, मतलब मेरी जबानी वन प्लस टीवी की कहानी
नाशिद की जबानी हो सकता है ऐसा, क्या पता। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे साला, सबसे पहले हम 10 मिनट से सबसे पहले ही बात कर रहे हैं। तो पैनल क्या चीज़ का है? QLED का है। QLED मतलब एक तरीके से क्वांटम डॉट LED, ठीक है, समझ रहे ना आप। और LCD LED में आपको पता ही होगा कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड है, मतलब फुल से आपको कुछ लेना देना नहीं है कि फुल फॉर्म क्या है इसका, लेकिन उसमें क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से लाइट निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब कहीं से लाइट आती है और सरफेस पर पड़ती है तब आप देखते हैं, ठीक है। और OLED जो मतलब आजकल फैशन में है और सबसे अच्छा डिस्प्ले माना जाता है आजकल, हम उसकी भी खामी बताएंगे इस वीडियो में। और अगर आपको एकदम एक्सटेंसिव टाइप से देखना है तो आप बहुत सारा YouTube वीडियो देख सकते हैं, मतलब आप YouTube क्या Vimeo पे भी जाके आप सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएगा कि LCD प्लस मतलब वर्सेस LED वर्सेस OLED वर्सेस, लेकिन आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, आई एम ट्राइंग नाशिद से। तो QLED और LED, इसमें अंतर है कि मतलब क्वांटम डॉट है इसमें और इसमें LED मतलब सिंपल LED, तो अभी सस्ता पड़ता है इस वजह से LED मैन्युफैक्चर होता है। और QLED एक तरीके से फैशनेबल है और सैमसंग ने मतलब इन्वेंट किया था या मतलब मार्केट में लाया था, ऐसे वीजियो हुआ, आपको TCL हुआ जो इंडिया में मतलब अभी बेच रही है, मतलब पहले नहीं बेचती थी लेकिन TCL आप सर्च कर सकते हैं बेच रही है TV। तो ये लोग भी क्वांटम डॉट LED इस्तेमाल करते हैं लेकिन मतलब बोलते नहीं है। वन प्लस ने, सैमसंग तो बहुत बार बोलती है और वन प्लस ने मतलब ठोक ठोक करके बोला है कि नहीं QLED है, LED नहीं है, QLED है। तो QLED का क्या फ़ायदा है और OLED क्यों नहीं है? पहला बात कि OLED महंगी होती है इस वजह से नहीं है, लेकिन 1 लाख का प्राइस है जिसमें मतलब बाद में बात करेंगे, सब वूफर ऊपर नीचे होता है और ऑडियंस वाह वाह भाई वाह, सब वूफर जो है उसका मतलब साउंड बार कहते हैं ऊपर नीचे होता है इस वजह से, उसका 30,000 और कुछ अंतर नहीं है Q1 और Q1 Pro में। लेकिन ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म का मान ले लिया, जो वही मामला चल रहा था डिज़ाइन के मामले में, काफ़ी मतलब अच्छी बात है। लेकिन आप बोस का जाकर, अगर आप बोस बहुत अच्छी कंपनी है मतलब साउंड के मामले में, म्यूज़िक के मामले में, या JBL का एक बड़ा सा आप साउंड मतलब बार ले सकते हैं और मतलब वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, मतलब आप खोला और बंद किया तो मतलब आप अपने क्या बोलते हैं रिलेटिव को या दोस्त को इम्प्रेस नहीं होंगे। मटेरियल यार होंगे, मटेरियल टाइप के आदमी ये सब चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। अगर हमको लेना होगा इस दोनों में, हम बात करेंगे अभी उस सब के बारे में, लेकिन अगर इन दोनों में लेना होगा तो हम 30,000 रुपये बचाएंगे और Q1 लेंगे। और बात कर रहे थे हम लोग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी OLED, अगर आपका रूम अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा डे लाइट नहीं आती है, तो आप OLED TV लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। QLED LED TV ज़्यादा ब्राइट रहती है, तो अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है या दिन के वक्त में आप देखते हैं तो आपको QLED ज़्यादा अच्छा होगा, OLED उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप बोलते होंगे कि जैसे क्या बोलते हैं, आप जाइएगा शोरूम में देखिएगा तो OLED उतना ज़्यादा ब्राइट मतलब ब्राइट ठीक ठाक लगती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू LED TV OLED TV इज़ अ डिमर। मतलब निट्स में हम लोग ब्राइटनेस नापते हैं तो लगभग 1200 निट चला जाता है आपको OLED का और 2000 या 2200 तक चला जाता है आपको QLED का या LED का। तो मतलब आप समझ लीजिए ब्राइट और HDR और मतलब डॉल्बी, आजकल तो ये सब फैंसी भी नहीं कहेंगे, थोड़ा ज़रूरत हो गया और थोड़ा ज़्यादा इन मतलब HDR के मामले में तो मतलब मैंने देखा है कि डिफरेंसेस है, मतलब मैं तो शोरूम में दुखता हूँ, मेरे पास तो नहीं है TV उतना अच्छा और उतना बड़ा, लेकिन शोरूम में मैं जाता हूँ और मैं इस मामले में तो मतलब आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाट कैन आई से दैट, मतलब आप, मैं उस टाइप का आदमी हूँ जैसे कि TV नई लॉन्च हुई और मैं चला गया देखने शोरूम में और देखा आधे घंटे, मतलब चैनल वैनल हो सकता है तो कभी मैंने जाकर अपना क्या बोलते हैं जाके YouTube पर 4K पर अपने फ़ोन से ट्रेलर चलाया और देखा, फिर उसके बाद से वहाँ के आदमी ने पूछा कि लेना है आपको, तो मैंने बोल दिया कि ये 3 लाख की TV मैं लेकर क्या करूँगा भाई, मतलब मैं वो C9 या C8 ऐसे कुछ करके LG की TV बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप थी और काफ़ी अभी बेस्ट TV मानी जा रही है, तो वही मैं देखने चला गया था, तो इट्स लाइक अमेजिंग। और HDR अभी है या नहीं है, लेकिन बहुत कम, जैसे कि
जनरल चैनल्स जो अभी हम लोग देखते हैं तो वो उतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं जैसे कि यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम, तो आप HDR देख सकते हैं। लेकिन जियो के लॉन्च होने के बाद भी मैं मतलब उतना ज़्यादा नेट उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो 5G इज़ कमिंग, अमेरिका में अभी आया ही नहीं है, अभी बात है अमेरिका की एक सिटी में पूरा 5G आ गया ऐसे। तो सैमसंग के बारे में जैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर आप सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे तो आपको सोचने का मतलब दिमाग में आपको ख्याल डाल देते हैं हम कि आप सैमसंग जैसे फ़ोन में OLED रहता है, ठीक है, आप गैलेक्सी S9, S8, S9, 10, Note 9 तो ये सब OLED स्क्रीन है और बेस्ट स्क्रीन माना जाता है। रिफ्रेश रेट के मामले में थोड़ा ज़्यादा मतलब आजकल सैमसंग के फ़ोन नहीं लाया उसने मतलब 90 या 120, लेकिन 60Hz होता है अभी और OLED स्क्रीन होता है। तो क्यों? तो OLED का ये खामी है कि अगर आप एक ही चीज़, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे OLED स्क्रीन है, ठीक है, तो आप न्यूज़ चैनल देखिएगा तो उसका लोगो स्टार प्लस ABP न्यूज़ का लोगो होगा वहाँ पे, जो डायनेमिक नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा और सब चीज़ मूविंग करती रहेगी और अभिनव ऐसे ऐसे हाथ मारते रहेंगे, लेकिन जो नॉन डायनेमिक क्या बोलते हैं न्यूज़ का लोगो या चैनल का लोगो वहीं पर रहेगा। अगर 10-12 घंटे आप रोज़ TV देखिएगा, वही न्यूज़ और वही लोगो रहेगा, तो हो सकता है ना कि अगर आप चैनल चेंज करें और लोगो का हल्का सा मतलब रंग वहीं पर रह जाए। तो OLED जैसे कि आप नहीं जानते तो मतलब वो एक एक पिक्सल अलग अलग OLED रहता है, जो इस वजह से उसका ब्लैक लेवल भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें कहीं पर ब्लैक कलर आ गया तो वो सब पिक्सल ऑफ हो गया, और जो पिक्सल ब्लैक नहीं है या कलर ब्लैक नहीं है मूवी में, वो पिक्सल लाइट अप हो गया, तो जिस वजह से ब्लैक वाला ऑफ है तो एकदम डार्क ब्लैक मिल गया। तो इसी वजह से बर्न इन इफेक्ट कहते हैं, बर्न इन इफेक्ट, कि वो वाला जो चैनल वाला है वो वहीं पर रह जाएगा। तो इस वजह से सैमसंग बोलती है कि इस वजह से वो TV नहीं बनाती है OLED, लेकिन फ़ोन बनाती है। लेकिन इसलिए फ़ोन बनाती है, अभी मतलब आपको बताया था कि 10 घंटे लगातार आप देखते रहिएगा, लेकिन फ़ोन है और सर्वे के लिहाज से मतलब अगर लगातार 5 मिनट से ज़्यादा कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता है, करता है लेकिन बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। आजकल डिजिटल वेल बींग मतलब आजकल आ रहा है हर जगह, लैपटॉप में भी आने वाला, अभी कैटेलिना और आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड iOS 13 में भी है, 12 में भी था शायद, और एंड्रॉयड 9 10 ये सब में भी था है, मतलब मैं तो रूट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वजह से पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन वेल बींग का क्या मतलब, आप जाकर वहाँ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप दिन भर में 200 बार अनलॉक किया फ़ोन, तो 200 बार आप अनलॉक शट ऑन शट ऑफ शट ऑन, OLED स्क्रीन रहेगा तो कोई बर्न इन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 200 बार ऑन ऑफ हुआ। तो समझ गए बात आप OLED और मतलब क्या खामी है क्या खूबी है। और मैंने बोला था आपको कि Part 2 भी हो सकता है इसका, तो Part 2 बनाते हैं मतलब अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है और मेरे पास कहने को है आज यार।